नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मेरे पीछे आप हावड़ा देख रहे हैं, हावड़ा ब्रिज, जहां से हजारों की तादाद में लोग हर रोज कोलकाता से हावड़ा की ओर आते हैं और हावड़ा से कोलकाता की ओर जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति जैसे जैसे आगे बढ़ी है, वैसे वैसे अलग अलग रंग लेना भी इस राजनीति ने शुरू कर दिया है। आपको बताते चले, आधे चरण का मतदान हो चुका है, आधे चरण का बाकी है, 17 तारीख और उसके बाद 22 तारीख, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे चारों चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर एक नई लकीर हर बदलते दिन के साथ यहां पर खींचती हुई चली जा रही है। पूरे के पूरे मामले ने अब एक और कूच बिहार का रुख कर लिया है। कूच बिहार में मतदान भले ही संपन्न हो गया हो, लेकिन टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है, आगे क्या होगा। वही कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर जो आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, इन सबके बीच एक धमकी भी निकलकर सामने आई है, जिसके बाद इस बात के कयास लग रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा कूच बिहार जैसी स्थिति बंगाल में पैदा हो जाए। यह रिपोर्ट देखिए। ममता दीदी की नीतियों ने कितनी ही माओं से उनके बेटे छीन लिए। बांग्ला के मौसा के बांग्ला माँ के बांग्ला के गुजरात होते देवें ना। दीदी के माँ माटी मानुष की यही असलियत है। दिल्ली में कैसे डबल इंजन चल रहा है, क्या है, सब बेच दिया, देश को बेच दिया। बंगाल में दीदी की पारी समाप्त हो चुकी है। कोई बदजुबानी कर रहा है। शीतलकुचीते चार जन बदले आठ जन मारा उचित छिल केंद्रीय बाहिनी। केन केंद्रीय बाहिनी चार जन के मारलो, तार जन्य शोकज करा उचित केंद्रीय बाहिनी। तो कोई सीधे धमकी पर उतर आया है। সবে শুরু হয়েছে যারা ভেবেছে সেন্ট্রাল পোস্ট মানে বন্দুকটা দেখাবার জন্য নিয়ে এসেছে, তারা বুঝেছে ওর গুলির গরম কিরকম। আর এটা সারা বাংলায় হবে। আর ये सारे वार और तीखा प्रहार हो रहा है कूच बिहार की रक्त रंजित राजनीति को लेकर। वो कूच बिहार जहां चौथे चरण की वोटिंग के दौरान गोली चली, चार लोगों की जान गई, और इस हिंसा के बाद कूच बिहार बंगाल की चुनावी राजनीति का केंद्र बन गया। कूच बिहार पर बचे सियासी कोहराम के बीच बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष दो कदम और आगे निकल गए और धमकी भरे अंदाज में कह दिया कि फिर हिंसा हुई तो फिर कूच बिहार जैसी हिंसा। সেদিন চলে গেছে, মানুষ সমস্ত ভয়কে উপেক্ষা করে সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন। আমি আশা করবো 17 তারিখ সেই দিন আসছে যেদিন আপনারা সকালবেলা গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিন। সেন্ট্রাল ফোর্স বুথে থাকবে, কেউ লাল চোখে দেখাতে পারবে না। তাহলে আমরা আজ যদি বাড়াবাড়ি করে শীতলকুচি দেখেছেন কি হয়েছে, জায়গায় জায়গায় শীতলকুচি হবে। সেই জন্য সাবধান থাকুন, যা লুটপাট করেছেন মানুষের ধন সম্পত্তি সেটা খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকুন শান্তিতে। खूब समय खराब आस। और शीतलकुची में कोई बूथ दखल नहीं हो रहा था, शीतलकुची में कोई अटैक नहीं हुआ। ये अमित शाह का पुलिस जानबूझ के गोली चलाया डराने के लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी को डराने के लिए। दिलीप घोष का ये धमकी भरा बयान सामने आया तो टीएमसी के तेवर और सख्त हो गए। चुनाव आयोग से शिकायत कर टीएमसी ने दिलीप घोष को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। बीजेपी नेता प्रेसिडेंट राज्य बोलते गोली चली दाओ, जनरल सेक्रेटरी ये बोलते ओके देख तो वो बोलते ओके देख, ये बोलते चार जन के मारो वो बोलते आठ जन के मारो, ये बोलते बारह जन के मारो वो बोलते षोलो जन के मारो। आज के लज्जा करे ना, लज्जा करे ना एक फोर्स के भाव इंसिस्ट करते प्रोवोक करते प्ररोचना दीते টোটালটাই করেছে অমিত শাহ। আমি এখনো বিশ্বাস করি টোটালটা প্ল্যানিং করেছে ভারতবর্ষের হোম মিনিস্টার অমিত শাহ, প্রধানমন্ত্রী জানে। পশ্চিম বঙ্গাল মে জারি হিংসা বালি রাজনীতি কো কুচ বিহার কে গোলিকাণ্ড নে চরম পর পৌঁছা দিয়া হ্যায়। ইয়াহি বজহ হ্যায় কি বঙ্গাল মে চুনাব প্রচার কে লিয়ে পৌঁছে পিএম মোদি নে ভি হিংসা কা মুদ্দা উঠায়া অর কাহা কি জিনকি মৌত হুই হ্যায় ও ভি কিসি কে বেটে থে। টিএমসি কা মার রাহা হ্যায়, माँ को सताओ, माटी को लूटो, मानुष का रक्त बहाओ। भाई और बहनों, कुछ बिहार में दो दिन पहले
जिन लोगों की मृत्यु हुई वो भी किसी मां के ही बेटे थे, लेकिन ममता दीदी की नीतियों ने कितनी ही माओं से उनके बेटे छीन लिए हैं। उधर ममता बनर्जी कूच बिहार के पीछे बीजेपी का हाथ बता रही हैं और रैलियों में अपील कर रही हैं कि बंगाल में हिंसा फैलाने वालों को वोट ना दें। আমি কিন্তু একেস্টা ছেড়ে কথা বলবো না, পুরো তদন্ত হবে, প্রত্যেকটা নাম আছে, মনে রাখবেন ডিটেইলস লেখা আছে কি ঘটনা ঘটেছে না ঘটেছে, মিনিটে মিনিটে আমি আপনাদের কাছে দেখিয়ে রাখলাম, আমাকে অত বোকা ভাবার কোনো কারণ নেই। কুচ বিহার কি ঘটনা কে বাদ সে মমতা ইসে মুদ্দা বানাকর বিজেপি কো ঘেরনে মে লাগি হ্যায়। কল মমতা ব্যানার্জি নে কুচ বিহার হিংসা মে মারে গয়ে লোগো কে পরিবার সে বাত কি থি और इसके बाद कूच बिहार की घटना को नरसंहार बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला, तो गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी को उनके भड़काऊ भाषण की याद दिला दी। कूच बिहार की हिंसा के बाद बंगाल में सियासी आग भड़की हुई है और नेता इसे बुझाने के बजाय अपने जहर बुझे बयानों से लगातार इस आग को और हवा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगले चार चरणों के चुनाव को शांतिपूर्वक कराना यकीनन चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आज तक विकास के दावे करते करते राजनीतिक पार्टियां धर्म और जाति का कितना आड़ ले रही हैं इस चुनाव में, ये पूरे देश के सामने है। इन सब के बीच आपको बता दें मतुआ समुदाय के वोट बैंक को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुजाता मंडल की एक आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मौका मिल गया है और लगातार वो इस मुद्दे को लेकर टीएमसी को घेर रही है। रैली थी बर्धमान की, पीएम मोदी की जुबान पर नाम था बाबा साहेब का और उनके निशाने पर थी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी। बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। वोटिंग के चार चरण के बाद जब आज पीएम मोदी बंगाल के प्रचार के लिए पहुंचे तो हर रैली हर सभा में उन्होंने अनुसूचित जाति का अलग से जिक्र किया और टीएमसी पर दलितों के अपमान का आरोप लगाया। आजकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रही है, पहले आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटा कि 500-500 रुपए में बिक जाते हैं और आज दीदी हमारे दलित भाइयों बहनों को उनके निकट व्यक्ति ऐसी भाषा दलितों के लिए बोले। भाइयों बहनों, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के नागरिकों के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए कभी भी न ऐसी भाषा बोल सकता है न ऐसा सोच सकता है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की इस बदली रणनीति की वजह समझने के लिए ये ट्वीट देखिए। बंगाल बीजेपी की ओर से किए गए इस ट्वीट में टीएमसी नेता सुजाता मंडल पर दलित समाज के लोगों के लिए अपशब्द के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और सुजाता मंडल के बयान को बीजेपी ने बंगाल चुनाव में बड़ा मुद्दा बना दिया है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने भी दलितों के अपमान को अपनी रैलियों में जोर शोर से मुद्दा बनाया। एससी समुदाय को, अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे हैं, भिखारी। दरअसल सुजाता मंडल का बयान सामने आने के बाद ही बीजेपी ने दलितों के मुद्दे पर टीएमसी को घेरने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। कल ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी और सुजाता मंडल पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी। बंगाल में दलित आबादी करीब 2 करोड़ है, जो कुल आबादी का करीब 24% है और इसका बंगाल की 68 विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। माना जाता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 18 सीटों पर जीत में दलित समुदाय का बड़ा हाथ रहा और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां दलित वोटरों को साधने में जुटी है और इसे लेकर कई बार आमने सामने भी आ चुकी है।
एक बड़ा समुदाय, और आपको मेरे कहने की जरूरत नहीं है, सीएसडीएस के सर्वे में ये बात प्रमाणित तौर पे कही गई है कि लोकसभा के चुनाव में करीब करीब 80% से ज्यादा दलितों ने बीजेपी को वोट किया। मैंने अपने चैट में जो सो कॉल्ड आप लीक जिसको बता रहे हैं, मैंने ये कहा कि बाई लार्ज एससी समुदाय में और उसमें खासकर जो मथुआ समुदाय के लोग हैं वो बाई लार्ज बीजेपी को वोट कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे जितना लोकसभा में कर रहे थे। सबसे बड़ा टकराव तब देखने को मिला था जब बांग्लादेश दौरे पर गए पीएम मोदी ने मथुआ समुदाय के मंदिर में पूजा की थी, जिसे ममता बनर्जी ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। दरअसल बंगाल की दलित आबादी का करीब 50% मथुआ समुदाय है और दार्जिलिंग समेत पांचवें चरण की कई सीटें हैं जहां पर मथुआ समुदाय का अच्छा खासा असर। ऐसे में पांचवें चरण से पहले भी मथुआ समुदाय पर पॉलिटिक्स पूरे जोर पर है। তাই মথুয়ার এমপি কে নিয়ে বাংলাদেশ গিয়েছিলেন আর বছরে প্রতিবাদ নিনামায় বলেন আমি অনুপ্রবেশকারীদের ঢোকাই, বাংলাদেশ মানেই অনুপ্রবেশকারী, রোজ আপনারা গালাগালি দেন আর ইলেকশনের সময় ভোট করতে যান, লজ্জা করে না? দিদি আপ বিরোধ করতি হো সিএ কা, কিউকি নাম শূদ্র সমাজ মথুয়া সমাজ আর শরণার্থীও কো নাগরিকতা মিলনে ওয়ালি, মুঝে বাতাও ভাইও বহনো মাতাও যুবাও, এ শরণার্থী জো আয়ে হ্যায় उनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? यही वजह है कि टीएमसी नेता सुजाता मंडल के बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी दलित वोटरों को अपने पाले में लाने में जुटी है, ताकि ममता को दलित वोटरों के मोर्चे पर भी मात दी जा सके। आज तक ब्यूरो। उधर कूच बिहार के पॉलिटिक्स में मुस्लिम एंगल भी आ गया है। हिंदू मृतक परिवार को फोन नहीं करने को लेकर बीजेपी लगातार दीदी पर हमलावर है, तो वहीं ममता बनर्जी की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के जमकर आरोप लगाए जा रहे हैं। मां माटी मानुष को बेच दिया, देश को बेच दिया। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अच्छा होना चाहिए दीदी का स्वास्थ्य, मगर जब इस्तीफा देने जाए तब पैदल चलते जाए तो शान के साथ इस्तीफा लगेगा। पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग आधी खत्म हो चुकी है, लेकिन आधा खेल बाकी है जो तय करेगा कि आखिर बंगाल की सत्ता में कौन काबिज होने वाला है, कौन है बंगाल का असली सूरमा। चार चरणों के मतदान के बाद जब पीएम मोदी एक बार फिर बंगाल में गरजे तो दीदी की हार का ऐलान कर दिया। अभी तो चार राउंड हुए हैं, चार होने बाकी हैं, आधे चुनाव में आपने टीएमसी को साफ कर दिया, इतने चौके छक्के मारे कि बीजेपी की सीटों की सेंचुरी हो गई है। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे उन्हीं के साथ खेला हो गया है। एक ओर पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे तो दूसरी ओर बंगाल की जमीन पर ममता भी हुंकार भर रही थी। ममता के बाहरी बनाम बंगाली कार्ड पर अब बीजेपी ने ममता पर बंगाल के लोगों का अपमान करने का दाव खेला है। मोदी को गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए, अरे सोखरा भार भार के गाली दीजिए, लेकिन दीदी सुन लीजिए, ओ दीदी, बंगाल की गरिमा, बंगाल की गौरवमय पहचान का अपमान मत करिए। आगे बांग्ला मानस बांग्ला के माचा भी बांग्ला ही पार भी बांग्ला के माचा लगे बांग्ला वहाँ पे बांग्ला के गुजरात होते देवेन ना। पीएम मोदी एक ओर ममता पर तोलेबाजी और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो दीदी ने भी केंद्र सरकार पर देश बेचने का आरोप लगा दिया। आपने गरीबों से बहुत विश्वासघात किया, आपकी दुर्नीति ने उनका जीवन और मुश्किल किया है। डबल इंजन करो, अरे डबल इंजन आएगा कैसे, पहले तो बताओ
दिल्ली में कैसा डबल इंजन चल रहा है, क्या है, सब बेच दिया, देश को बेच दिया। दीदी, ओ दीदी। पश्चिम बंगाल में ममता के खेला हो दाव के बाद अब दीदी और दीदी की धूम है। ऐसे में पीएम मोदी ने आज एक बार फिर जमकर दीदी और दीदी का तंज मारा। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने, और क्या बोल रहे हैं बच्चे, दीदी, ओ दीदी। एक ओर ममता और मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां, तो दूसरी ओर अमित शाह ने भी बंगाल फतेह के लिए कमर कस ली है। शाह ने तो 5वें चरण के मतदान में भी बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी कर डाली। वहीं 2 मई को दीदी से इस्तीफा तैयार रखने को कहा। 8 में से 4 चरण का चुनाव समाप्त हो गया और मैं आपको बताने आया हूँ, 4 चरण में भारतीय जनता पार्टी 92 से ज्यादा सीटों के साथ लीड पर है, 92 से ज्यादा सीटों। अभी 5वें चरण में आप कृपा कर दीजिए, सरकार बनाने का पूरा काम हो जाएगा, भाजपा की सरकार बन जाएगी। हम इसका इस्तीफा दे रहे हैं और ये बोलने के साथ ही इनके सारे लोग लग पड़े अमित शाह इस्तीफा दे दे। माताओं भाइयों बताओ, आप चाहते हो मैं इस्तीफा दूं? जोर से बोलो, चाहते हो? मैं पॉकेट में लेकर आया हूं, निकाल कर भेज देता हूं दीदी को, चाहते हो क्या? दीदी, जिस दिन बंगाल की जनता कहेगी मैं इस्तीफा दे दूंगा, मगर ये 2 तारीख को आप अपना इस्तीफा तैयार रखना, 2 बजे राज्यपाल को लेने जाना। आधी जंग खत्म हो गई, लेकिन आधी अभी बाकी है। बीजेपी ममता के किले में सेंध लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दीदी ने भी अपना दुर्ग बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज तक ब्यूरो। टीएमसी या फिर बीजेपी, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच आपको बताते चले, इस वक्त सिलीगुड़ी में गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी रैली हो रही है। भीड़ को देखकर वो काफी ज्यादा गदगद दिखाई दे रहे हैं। जय श्री राम के नारे भी वहां पर लग रहे हैं। 17 तारीख को सिलीगुड़ी में वोट डाले जाएंगे आपको बताते चले, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की ओर से कमर कस ली गई है। फिलहाल रैली की तस्वीरें आपके सामने हैं। बंगाल में 4 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है, 4 चरणों का मतदान अभी बाकी है। सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगले चरणों के लिए दोनों ही पार्टियां जमकर प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। एक तरफ रैलियों का रेला लगा तो वहीं दूसरी तरफ जमकर रैलियों में खेला भी हुआ, देखिए। नमस्कार, मैं हूँ मौसमी सिंह और इस खास कार्यक्रम में हम आए हैं सियालदह रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी ट्रेन है रेल बांग्लार जीवन रेखा, गरीब धनी सबे रेल सहाजय चले। बंगाल की लाइफलाइन है रेल और इसलिए हम चल पड़े हैं एक अनोखे सफर पर, सियालदह से लेकर सिलीगुड़ी, वो ट्रेन जो पश्चिम बंगाल को असम से जोड़ती है। तो चलिए, ट्रेन का टाइम हो गया है, बिना देरी करिए चलिए हमारे साथ। दक्षिण से उत्तर बंगाल को जोड़ने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस सरपट दौड़ रही है। चुनावों में क्या होगा ये सवाल भी सबके मन में उसी तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं है। करीब घंटे भर बाद हम वर्धमान पहुंचे, जहां 17 अप्रैल को चुनाव है। 600 किलोमीटर का सफर तय करती है और ये वर्धमान स्टेशन हम लोग पहुँच गए। 1 घंटे की लगभग दूरी है कोलकाता से, और यहाँ पे आपको बता दें कि चुनाव भी है 17 तारीख को। लोग यहाँ पे जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनसे मूड जानने की कोशिश करते हैं। आप कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे हैं? वर्धमान कटवा लोकल। अच्छा, तो आपका वोट है यहाँ पे? दुर्गापुर है वोट। दुर्गापुर डाल दिया वोट? 26 तारीख है। 26 तारीख
तो क्या चल रहा है मिजाज और मूड? सब लोग बात कर रहे हैं कि चुनाव चल रहा है तो कोरोना भूल गया है लोग। हाँ ताई तो होच्छे, चारिदिके मीटिंग मिचिल होच्छे, क्यों मास्क पड़छे क्यों पड़छे ना, यह भी चलछे एखन। हाँ कोरोना निये कारो माथा व्यथा नहीं एखन, भोट भोट उत्सव होच्छे, भोट डालना है। हाँ भोटटाई मेन एखन। देखिए आप बर्धमान स्टेशन पर यहाँ पे यात्रियों की भीड़ तो है ही है, लगातार अमित शाह से लेके जेपी नड्डा और सब लोग यहाँ पे रोड शोज भी कर रहे हैं। भाई साहब आपका कहाँ पे है वोट? मेरा वोट बर्धमान पे है, यही 260 साउथ। तो भाई आ गई बर्धमान की बारी, हम लोग इस कंचनजंगा एक्सप्रेस में जा रहे हैं, आप कौन सी ट्रेन का वेट कर रहे हैं? इसी ट्रेन में हम जाएंगे, हम डेली पैसेंजर है। अच्छा डेली पैसेंजर है। हाँ। तो रेल भी बंगाल में, रेल जो एक लाइफलाइन की तरह, यस रेल भी एक लाइन। हाँ हर कोई, जिसका कोई ऑप्शन नहीं आता है वो रेल में ही चला जाता है, और जिसका ऑप्शन होता है वो बस वगैरह लेता है, लेकिन यहाँ हम लोग तो रेल के ही ऊपर भरोसा है। चलिए ट्रेन में हरी झंडी ट्रेन को मिल गई है और हम लोग आगे चलते हैं। 600 किलोमीटर का सफर है, शाम के 6:30 बजे तक ये ट्रेन पहुंचेगी। कोरोना का टाइम चल रहा है इसलिए आप देखेंगे कि संख्या बहुत ही कम है, और ये कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय की तरफ से मुहिम है कि जो है कंट्रोल्ड पैसेंजर्स ट्रेन में सफर करें। बहरहाल बात कर रहे हैं बंगाल की जिंदा दिली की, बंगाल की स्पिरिट की, और बात कर रहे हैं बंगाल के चुनाव की। हमारे साथ एक बहुत ही जुझारू ग्रुप है जो रोज बंगाल में रोज बर्धमान से सफर करता है, ट्रेन में काम पे जाते हैं, और यही मैं आपको बता रही थी कि कैसे जो बंगाल में रेल है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हार्ट बीट के तौर पे सर सर्व करती है यहाँ पे, लोग ट्रेन में खूब सफर करते हैं। हाँ जी ये ट्रेन ही तो हमारा भरोसा है, ये हमारा जिंदगी में जुड़ा हुआ है, एक पार्ट बन गया है जिंदगी का। हम लोग सभी फ्रेंड के तरह है, यहाँ पे जाते हैं एक साथ लौटते हैं। मैक्सिमम टाइम जर्नी वाला जो बहुत दूर दूर में प्लेटफॉर्म होता है, बहुत सारा बातचीत होता है आपस में, मान लो कि हमारे जिंदगी के साथ ही जुड़ गया है ये ट्रेन। और इम्पोर्टेंटली जब कोविड हुआ, कोरोना का हुआ, तो ट्रेन बंद हो गई, उस समय दिक्कत आई थी आप लोग को? बहुत सफर होना पड़ा, तो उस टाइम हम तो जॉब भी अटेंड करना पड़ता है, तो हम पर्सनल जो बाइक से, उस बाइक से हम जाते थे, तो 100 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है उस टाइम। अगले चरण यानी कि 17 अप्रैल के मतदान को लेकर पार्टियां पूरी तरह से जोर लगा रही हैं, लेकिन किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, 2 मई के लिए हमें करना होगा इंतजार। लेकिन कुल मिलाकर चुनावी खेला और परिवर्तन का रेला चरम पर इस वक्त समूचे बंगाल में देखने को मिल रहा है। हावड़ा से मेरे साथ शंखनाद में अभी के लिए बस इतना।